हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। काफ़ी महिलाओं की क्वायरी होती है कि लड़का होने के टाइम पर किन किन अंगों में ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सर्चेबल भी है और काफ़ी गर्भवती महिलाओं की क्वायरी भी होती है। तो मैंने चाहा एक वीडियो बना के अपलोड किया जाए ताकि जितनी भी गर्भवती महिलाएँ हैं उनके डाउट क्लियर हो जाएँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और अच्छे से समझना है ताकि 100% आपके डाउट क्लियर हो जाएं। आखिर लड़का होने के टाइम पर दर्द किन किन अंगों में होता है और क्या ये बात ठीक है, लड़का होने पे कहाँ कहाँ दर्द होता है, तो क्या ये बात ठीक है या फिर नहीं। तो पूरी जानकारी के लिए भाई आपको वीडियो को तो एंड तक देखना होगा, समझना होगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की डेली हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं पहले सिम्टम के बारे में। पहला जो सिम्टम है वो ये है, सिर में दर्द की समस्या होना। काफी महिलाओं को सिर में दर्द की समस्या होती है, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर आपको सिर में दर्द की समस्या होती है तो ज्यादा घबराना नहीं है, लेकिन घबराना तब है जब आपको पूरी प्रेगनेंसी ये सिर में दर्द की समस्या बनी रहे। बहुत जल्दी जल्दी हेडेक होने लगे, बहुत जल्दी जल्दी आपको सिर में दर्द होने लगे। हद से ज्यादा सिर दर्द होना अनहेल्दी प्रेगनेंसी के अंतर्गत आता है। अगर आपका जल्दी जल्दी सिर दर्द होगा तो इसका बुरा प्रभाव आपके बच्चे तक पहुँचेगा और आपके बच्चे के विकास में रुकावट आएगी। तो ये लड़का होने का लक्षण नहीं होता है। सिर में दर्द की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है तो ये चीज अनहेल्दी प्रेगनेंसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। नंबर टू, आपको बताते हैं, माना ये भी जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आपके ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है तो ऐसे में लड़का होता है। काफी बार मैंने भी ऐसा सुना है। और ब्रेस्ट में दर्द नहीं हो रहा है तो ऐसे में लड़की होती है। लड़का होने पर मतलब ब्रेस्ट में और निप्पल में दर्द रहता है, तो क्या ये बात सही है या फिर नहीं। तो चलिए आपके इस टॉपिक पर भी डाउट क्लियर करते हैं। दरअसल दोस्तों, जैसे जैसे गर्भावस्था का समय आगे बढ़ता है तो उसमें मिल्क की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, त्वचा में खिंचाव आता है, ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से खुजली भी हो सकती है और थोड़ा सा दबाने पर पेन भी हो सकता है। तो यही इसका रीजन होता है। जब मिल्क की मात्रा अंदर से बनेगी तो ब्रेस्ट का साइज अपने आप ही बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल सा सिम्टम है, ठीक है। तो ये भी लड़का होने का लक्षण नहीं होता है। मैंने आपको रीजन भी बताया है कि ऐसा क्यों होता है। मैं एक एक चीज के रीजन बताती हूँ इसीलिए, ताकि दोस्तों आपके डाउट क्लियर हो सके। अब तीसरा जो लक्षण है वो ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द रहता है तो भी लड़का होता है। ये चीज भी मैंने काफी सुनी है। काफी लोग बताते हैं कि प्राइवेट पार्ट में दर्द रहता है, चुभन जैसा लगता है, तो ऐसे में लड़का होने के संकेत होते हैं। तो चलिए मैं इस टॉपिक पे भी आपके 100% डाउट क्लियर करती हूँ, ताकि दोस्तों आपको गलत जानकारी ना मिले, आपकी डाउट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से समझ जाएं। मैं इसीलिए दोस्तों आपको रीजन बताती हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको रीजन बताती हूँ कि आखिर प्राइवेट पार्ट में दर्द क्यों होता है। देखिए, जब आपकी डिलीवरी नजदीक होती है तब भी आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है, क्योंकि बच्चा बाहर आने की कोशिश करता है। बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, म्यूकस निकलेगा, बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, तो जाहिर सी बात है आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द होगा। लेकिन आपको घबराने की तब जरूरत है जब आपकी डिलीवरी का समय भी नजदीक ना हो और आपको पहले ही प्राइवेट पार्ट में दर्द की समस्या चालू हो जाए। जैसे कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है, नाभि के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, हल्की हल्की सी ब्लीडिंग या वाइट डिस्चार्ज ज्यादा निकल रहा है, मतलब शुरुआती महीनों में, तो ये मिसकैरेज होने का भी संकेत देता है, ठीक है। अगर आपको समय से पहले कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा चुभन जैसा लग रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये भी अनहेल्दी प्रेगनेंसी का लक्षण है। ये प्री मैच्योर डिलीवरी होने का संकेत है। तो ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। समय भी नहीं है, समय से पहले ये चीजें हो रही हैं तो ये खतरे की घंटी होती है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मेरी जो भी प्यारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि लड़का और लड़की होने के लक्षण 100% कभी भी वर्क नहीं करते हैं। ये कुछ रीजनों की वजह से दिखते हैं, कुछ रीजन ऐसे हो जाते हैं बॉडी में जिसकी वजह से ये दिखाई देने लगते हैं, और कुछ हार्मोन्स की वजह से भी ये चीजें दिखाई देने लगती हैं,
ठीक है, तो आपने समय रहते सबको समझ लिया, जान लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। ताकि आप समय रहते सबको समझ लेंगी ना, तो आगे चलकर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए कहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखें, जिससे आपको इसी तरह की डेली हेल्पफुल वीडियो देखने को मिलती रहे और आपकी मदद हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए।